आज हम बात करने वाले हैं AFUID की, जो कि हमारी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की साइट से हम इसको बना सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको जनरेट कर सकते हैं AFUID को। सबसे पहले हम एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया डालेंगे और इसके मेन पेज पर जाएंगे। पेज पर जाते से ही आप देख पाएंगे कि एथलेटिक्स के इसमें अंदर जाते से ही आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जो कंपटीशन लेटेस्ट कंपटीशन हो रहे हैं उनके बारे में डिटेल मिलेगी। सारी जानकारी यहाँ पे हमको मिल जाती है। इसके बाद हम जाएंगे, जो आप देख पा रहे हैं ये थ्री लाइन्स हैं, थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे और हम सबसे नीचे जाएंगे। सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे लॉगिन करके लिखा हुआ है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे और फिर इसमें लिखा हुआ है एथलेटिक लॉगिन। एथलीट लॉगिन के बाद अंदर जाएंगे, आप देख पा रहे होंगे नाउ यूअर AFUID स्टेटस एथलीट्स। इसमें हम जाएंगे और फिर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पर। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते से ही एक फॉर्म खुलेगा और इस फॉर्म की सारी डिटेल इसमें हम भर देंगे। डिटेल भरने के बाद फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर इसमें आपका आधार कार्ड और आपका BPL कार्ड और आपका एक फ़ोटो लगेगा, जिससे आपका AFUID का आईडी आपकी क्रिएट हो जाएगी और आपके मेल पर ही आपका AFUID और आपका पासवर्ड आएगा। इसलिए मेल आईडी ध्यान से सही डालें और आपका मोबाइल नंबर भी सही डालें। और एक जानकारी और बता देता हूँ मैं आपको इसमें कि जिनका BPL कार्ड है यानी राशन कार्ड, उनके लगभग 150 रुपये के आसपास लगते हैं और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं जिनके पास कार्ड नहीं है उनके लगभग 550 रुपये लगते हैं इसको बनाने में। थैंक यू।